अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तमीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बैस्टिक। आज का टॉपिक है आपके कबूतर के बच्चे को किस तरह संभाले, और आपके कबूतर में अंडे निकल बच्चे निकल रहे हैं, एक बच्चा बड़ा है और एक बच्चा हेल्थी नहीं छोटा है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा, और आपके कबूतर के बच्चे ही उसको खिला के आपके बड़े कबूतर भी बीमार हो जाते हैं, सूखे में आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बोलूँगा किस तरह आप फूड देना चाहिए उस बच्चे को और बड़े को, कि क्यों आपके कबूतर दो भी हेल्दी से रहें, और बड़े कबूतर भी हेल्दी से रहे और उसके बच्चे भी हेल्दी से रहें। और एक एग्जांपल भी दूँगा फ्रेंड्स आपको। मैंने तीन बच्चे रखे हैं, दो कबूतर बड़ा और उसके माँ बाप है, और तीन बच्चे भी रखा हूँ, उसमें कितना हेल्दी से तीन बच्चे को भी खिला रहा है वो भी दिखाऊँगा, और वीडियो को स्किप मत करना, इसी तरह देखना। चलो फ्रेंड्स, रखा हूँ तीन बच्चे, चलो फ्रेंड्स बाहर उठा के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखना कि माँ बाप भी कितना हिलते हैं। और एक बात है फ्रेंड्स, आपको चारा पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपके कबूतर हेल्दी रहेंगे। जो भी हो, बच्चे भी हो बड़े भी हो, एक कबूतर छोटा और एक कबूतर बड़ा होता है, जो भी चारे की वजह से होता है, उसको करेक्ट से कैल्शियम और प्रोटीन सब देना पड़ेगा, तभी आपके कबूतर छोटे या बड़े नहीं एक लेवल में ही बड़े होंगे। और दो भी हैं, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, सबको प्रोटीन कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलो फ्रेंड्स, अभी दिखाऊंगा क्या चारा डालना चाहिए ब्रीडिंग पेयर्स के लिए। ये देखना फ्रेंड्स, यही चारा मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रीडिंग पेयर के लिए। ये देखना, चने, भुट्टा, वीट, ये सब डालो, आपके कबूतर बच्चे भी हेल्दी रहेंगे और बड़े भी हेल्दी रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ये देखो, कबूतर के लिए चने भी डालना पड़ेगा, बहुत चने कबूतर के लिए बहुत हेल्दी रहेगी, और जो एक्सेल रहता है अंडा का एक्सेल, वो भी डालना पड़ेगा, वो भी मैं वीडियो अभी बना के रखा हूँ, पिछले वाले वीडियो में किस तरह बनाना है वो भी देख लो, और उसके लिए चिकनी मिट्टी भी ज़रूरत पड़ेगी, वो उसका भी वीडियो बनाया हूँ पिछले वाले में, उसमें भी देख लेना, और इसी वीडियो में थोड़ा दिखाऊँगा, देख लेना। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, प्लस बेल आइकन भी दबा लेना, इस तरह की वीडियो मैं बहुत लाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।